करे मेरी बीवी ने देखा, मेरे लिए मसला हो जाए। तो आप ये टॉपिक ही क्यों छेड़ रहे हैं भाभी ने, तो आपने इस मौजू पे बात किया है तो इस पे भी आपकी जो है ना वो क्लास होगी। सर नहीं चलने चाहिए, मैंने तो इसलिए पूछा कि आपके फैन है आप। नहीं लेकिन मैं भाभी में बता दूं आपको कि दूसरी शादी में रिकमेंड नहीं करना। मैं वो अपनी अहलिया की बात बता रहा था कि अभी हाल ही में आपकी पॉडकास्ट में थी तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखें ये तीसरी के भी चक्कर में था। वो तीसरी वाला भी जाहिर जो हुआ वो मैंने बता दिया, लेकिन कोई ऐसा मुझे लगता था वो शायद नहीं होना नहीं था। वो चल रही होती है साथ। पहलाज का कैसा रिलेशन है? अच्छा, अपनी दोनों वालों का अच्छा, क्योंकि पहलाज बहरहाल इसी सोसाइटी में जब स्कूल जाता होगा तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहते तो होंगे, तो कभी आया कि पापा उसने ये कहा या कुछ? नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं उससे बैठ के बात करता भी हूँ। एक बार मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा पहलाज के आपको क्या यू नो मेरे इस डिसीजन की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? अच्छा। तो उसने कहा बिल्कुल बाबा नहीं। मैंने कहा कभी आपको कुछ लगे तो आपने मुझसे जरूर शेयर करना है। जो भी आर्टिस्ट और मीडिया पर्सन होते हैं, मैंने इनकी अक्सर देखा कि दो घर लेते हैं। शायद एक्सपोजर ज्यादा होता है ना, लोगों से मिल ज्यादा रहे होते हैं। यू नो आप एक दफ्तर में काम करने वाला अगर आदमी है या कोई फैक्ट्री में, तो शायद उसको उतना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन नहीं है खवातीन के साथ, तो जाहिर है कोई ना कोई अच्छा लगता है आपको। ना करे मेरी बीवी ने मेरे लिए मसला हो जाए। तो आप ये टॉपिक ही क्यों छेड़ रहे हैं भाभी ने, तो आपने इस मौजू पे बात किया है तो इस पे भी आपकी जो है ना वो क्लास होगी। सर नहीं चलने चाहिए, मैंने तो इसलिए पूछा कि आपके फैन है आप। नहीं लेकिन मैं भाभी में बता दूं आपको कि दूसरी शादी में रिकमेंड नहीं करना। मैं बिकॉज देखिए अली दो तीन चीज़ें ना, एक तो ये कि हम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में फाइनेंशियली कोई इशू नहीं हुआ ना कि वो कहें कि जी मुझे ये कपड़े नहीं लेके दिए तो इसको क्यों, उसको अमरीका लेके गए तो मुझे अमरीका क्यों नहीं लेके गए, तो मैं यूरोप गई थी तो इसको यूरोप क्यों नहीं लेके गए, उसके पास ये घर है तो मेरे पास ये घर क्यों नहीं है, वो गाड़ी उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि ये पैसे इशू नहीं रहा ना, जिसने जो खर्च करना है वो अल्लाह ताला की जात देती रहती है। तो हर आदमी शायद ये नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, मेरा हिसाब किताब बहुत ज्यादा पैसा है तब भी उसको दूसरी शादी रिकमेंड कर रहे हैं। पैसे के साथ साथ वो पैसा बरतना भी तो है ना, इत्तेदाल। हाँ वो बहुत जरूरी है। अच्छा मैं अब वो अपनी अहलिया की बात बता रहा था कि अभी हाल ही में आपकी पॉडकास्ट में थी तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखें ये तीसरी के भी चक्कर में था। और फिर वो तारिक मसूद साहब ने चौथी किया तो उन्होंने कहा ये देखें इन्होंने चौथी भी कर ली है। नहीं नहीं नहीं, खैर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। वो तीसरी वाला भी ज़ाहिर जो हुआ वो मैंने बता दिया, लेकिन कोई ऐसा मुझे लगता था वो शायद नहीं होना नहीं था वो, लेकिन ज़ाहिर वो जितना जो था मैंने मंसूर भाई ने उगलवा लिया मुझसे असल में, नसीब में था। आपको लगता है कि ये इसी तरह से होना था? ज़ाहिर है उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते जो जो, लेकिन ये बात कि मैं किसी से कहूँ या मैं कहूँ कि बहुत अच्छी बात है या कीजिए, जिस तरह मुफ्ती तारिक साहब तो इसको बाकायदा इसकी तबलीग करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं, हमारे माशरे में ये बात दुरुस्त है। हर औरत कुरतुल ऐन नहीं है, हर औरत का मिजाज उस तरह से जो है ना, हर औरत फरा भी नहीं है, उसने भी बड़ा ज़ाहिर चीज़ों को समझाया। कभी किसी ने यानी आप ये सोचिए अली, मेरे पास मुझे ये नहीं है कि मैंने ईद का फलां वक्त वहाँ पर गुजारना है और यहाँ जहाँ पर जो है। लेकिन आप कोशिश तो करते होंगे, आप इत्तेदाल कह रहे हैं। हाँ वो यही है, यू नो आपका दिल और आपका ज़मीर आपको बता रहा होता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, तो वो चीज़ें बस चल रही होती हैं साथ। पहलाज का कैसा रिलेशन है? अच्छा, अपनी दोनों वालों का? क्योंकि पहलाज बहरहाल इसी सोसाइटी में जब स्कूल जाता होगा तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहते तो होंगे, तो कभी आया कि पापा उसने ये कहा या कुछ? नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं उससे बैठ के बात करता भी हूँ। एक बार मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा पहलाज के आपको क्या यू नो मेरे इस डिसीजन की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? अच्छा। तो उसने कहा बिल्कुल बाबा नहीं। मैंने कहा कभी आपको कुछ लगे तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है इस पर। तो हम बहुत ओपन है, मैं और पहलाज तो वो बातें करते हैं, हम तो अभी ट्रिप करने जा रहे हैं, बॉयज़ ट्रिप। अच्छा।